हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। चलो आज हमारा फर्स्ट वीडियो हम देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आपका फर्स्ट लेसन क्या है, इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है किसी के पास तो आपने देखे होंगे। ठीक है, अब ये लॉकडाउन के टाइम पे सबके पास टेक्स्ट बुक होना तो मुश्किल है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास टेक्स्ट बुक भी आ जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, इंग्लिश का फर्स्ट लेसन यूनिट वन फर्स्ट लेसन, इट्स अ पोएम, वो पोएम पढ़ लेंगे। पोएम का नाम क्या है, वॉट अ बर्ड थॉट। वॉट अ बर्ड थॉट, बर्ड मीन्स चिड़िया, थॉट मीन्स सोचता है या सोचा, एक चिड़िया क्या सोचती है। ठीक है, हम वो वीडियो करने जा रहे हैं। देखो हमारा पोएम का फर्स्ट चार लाइन, अभी ऐसा देखो आपको इधर चार लाइन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने चार लाइन जो दिखाई दे रहा है, इसको हम एक स्टैंजा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंजा। इसको क्या कहते हैं, स्टैंजा, STANZA। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है हमारा पोएम का, ये फर्स्ट स्टैंजा है। ओके, फर्स्ट स्टैंजा। तो फर्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं, I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. इसका मतलब क्या है, I live first in a little house. आई यहाँ पर कौन है, मैं हूँ? नहीं, एक चिड़िया बोल रही है। एक चिड़िया बोल रही है कि वो lived first, पहले रही, कहाँ पर रही, इन अ लिटिल हाउस, पहले रहती थी एक लिटिल हाउस में, एक छोटे से घर में। वो घर कैसा था आगे बता रहा है, और एंड लिव देयर वेरी वेल, वेरी वेल मीन्स बहुत अच्छा से, लिव देयर वहाँ पर अच्छा से मैं रहती थी, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ मैं बहुत अच्छा से रहती थी। द वर्ल्ड टू मी, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, टू मी मेरे लिए, दुनिया वॉज स्मॉल एंड राउंड, छोटा था, स्मॉल यानी छोटा, और राउंड था, राउंड मीन्स गोल गोल था, एंड और मेड ऑफ, बना हुआ था मेरा घर पेल ब्लू शेल, पेल यानी एकदम लाइट कलर, डिम डिम कलर का, डिम कलर और ब्राइट कलर आप जानते हो ना, तो उसमें डिम वाले कलर को हम पेल बोलते हैं, यानी कलर एकदम फेड हो गया हुआ है, कम हो गया है, तो वैसा पेल ब्लू कलर, यानी एकदम डार्क ब्लू नहीं, हल्का ब्लू कलर का शेल। शेल मतलब जैसे अंडे का कवर होता है, बाहर का जो कवर है ना अंडे का, उसको शेल बोलते हैं, और आपने सिप्पी वगैरह देखे होंगे, उसका बाहर का जो कवर, उसको शेल बोलते हैं। हमारा जो शिंगदाना, हम लोग ग्राउंड नट्स खाते हो, ग्राउंड नट्स के भी बाहर एक कवर होते हैं, उस वो भी एक्चुअली उसका पॉड बोलते हैं, POD, पॉड, और वो भी एक किस्म का शेल होता है। तो अंडे का शेल, बाहर का जो कवरिंग जो हम खाते नहीं है, वाइट कलर का, हम लोग निकाल देते हैं, तो वो हो गया शेल। तो ये चिड़िया बोल रही है, आई लिव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव दे वेरी वेल, मैं एक घर में पहले रहती थी और वहाँ पर बहुत अच्छे से रहती थी। द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल एंड राउंड, दुनिया मेरे लिए तभी बहुत छोटा और गोल गोल था, एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और मेरा घर बना हुआ था किससे, या मेरा मेरी दुनिया बना 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 हुआ था पेल ब्लू, हल्का ब्लू कलर के शेल से। तो आप बता सकते हैं कौन से घर के बारे में वो चिड़िया बोल रही है, उसका फर्स्ट घर एक एग, एक अंडा है, बराबर। चिड़िया सबसे पहले किसके अंदर रहती है, अंडे में रहती है। अब उसके बाद क्या हो गया, अंडे में से वो खिलकर बाहर आएगी, बराबर। अंडे में से खिलकर बाहर आने के बाद उसको दूसरा दुनिया देखने को मिलेगा, पर वो जैसे ही अंडे से निकल के आ गई तो क्या उड़ने लग जाएगी, नहीं ना, वो पहले किधर रहेंगे, अपने माँ, उसकी माँ ने जो बनाया हुआ उसके छोटे से घोंसले में रहेंगे। घोंसले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेस्ट, NEST, यस, एस फॉर शिप, एस फॉर सोप, यस, एस फॉर सन, वो वाला यस में रहेगी, कौन से यस, यस ये वाला यस, यानी NEST, ये जो नेस्ट होता है इसका मतलब घोंसला, और एक नेस्ट होता है NEXT, नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट पर्सन बोलो, मतलब अगले व्यक्ति बोलो, ओके। तो ये नेस्ट और ये नेस्ट में फ़र्क है, ये नेस्ट यानी
चिड़िया का घोंसला और ये नेक्स्ट यानी अगला। तो प्रोनंसिएशन में भी थोड़ा फ़र्क है, नेस्ट होता है और ये नेक्स्ट होता है, तो यहाँ पे उतना प्रोनंसिएशन का फ़र्क रहता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा क्या होता है, ये पूरे यहाँ से लेके ये फुल को हम क्या बोलेंगे, सेकंड स्टैंजा बोलेंगे, ठीक है। सेकंड स्टैंजा में वो चिड़िया क्या बोलती है, देखो, आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। नेक्स्ट यानी अगली बार, मतलब अंडे से खिलने के बाद मैं रहती थी इन अ लिटिल नेस्ट। अ लिटिल यानी यहाँ पे स्मॉल, लिटिल का मतलब छोटा सा, नेस्ट में रहती थी, घोंसले में रहती थी। नॉर नीडेड एनी अदर, मुझे और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे बहुत बड़ा घर के या कोई चीज़ की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। आई थॉट, नॉर नीडेड, नीड मतलब ज़रूरत पड़ना। आई थॉट, मैंने सोचा, द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, दुनिया क्या होगा, मेड ऑफ स्ट्रॉ, दुनिया बनी होगी स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ क्या होता है, ये जो घास फूस वगैरह होते हैं ना, उसको स्ट्रॉ कहते हैं, क्योंकि वो जो चिड़िया की मम्मी, जो मदर बर्ड क्या बना, कैसे घर बनाई होंगी, अलग अलग ट्विक्स, ट्विक्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कांडी लकड़ी के टुकड़े, है ना, और छोटे छोटे स्ट्रॉस यानी घास फूस के टुकड़े, ये सब लेकर वो अपना अपने बच्चे के लिए नेस्ट बनाई होगी। तो ये चिड़िया जब चिड़िया की बच्चे बच्चा जो आंख जब खोल कर देखा, लिटिल बर्डी जब आंख खोल कर देखे अंडे में से बाहर आने के बाद, तो उसके लिए तो दुनिया क्या था, वो घोंसला ही था, उसके बाद और कोई दुनिया ही नहीं था। तो उसको लगा कि दुनिया पूरा किससे बने हुए, स्ट्रॉ से बने हुए। एंड कवर्ड बाय माई मदर, और जब भी आंख खोल के देखते तो उसके उसको किसके अंदर रहते हैं, उसके मम्मी के पंख के अंदर रहते हैं। छोटे चिड़िया को हमेशा उसकी मदर बर्ड क्या करते हैं, अपने पंखों में बंद रखते, क्योंकि उसको वार्म्थ चाहिए रहता है ना, वार्म्थ मतलब उसको गर्म चाहिए रहता है, गर्माश चाहिए रहता है, नहीं तो उसको ठंडी लग जाएगी और अच्छे से उसका पंख वगैरह एकदम बढ़ेगा नहीं और वो आगे जाके उड़ नहीं पाएगी। तो मम्मी उसको बहुत केयर करके अपने पंखों के नीचे उसको संभाल कर रखते। तो उसको वो जब आँख खोल के देखती है चिड़िया बच्चा लिटिल बर्डी, तो उसको पूरे के पूरे दुनिया में क्या दिखाई देते, उसकी मम्मी का पंख और सिर्फ बहुत सारे स्ट्रॉ दिखाई देते, यानी हमेशा वो अपने आप को अपनी मम्मी के पंखों के अंदर कवर पाई है। तो ये हो गया सेकंड स्टैंजा। अभी थर्ड स्टैंजा में वो चिड़िया क्या बोल रही, देखो, वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट। फ्लटर्ड, वन डे मीन्स एक दिन, फ्लटर्ड यानी उड़के गई, उड़ा, फ्रॉम द नेस्ट, नेस्ट में से एक दिन में उड़ गया या उड़ गई। टू सी वॉट आई कुड फाइंड, किस लिए उड़ गई, टू सी देखने के लिए, वॉट आई कुड फाइंड, मैं क्या देख सकता हूँ या मैं क्या ढूंढ सकता हूँ या क्या देख सकता हूँ, क्या क्या मुझे मिलेगा वो देखने के लिए मैं मेरे नेस्ट में से एक दिन फ्लटर हाई उड़ गया मैं। आई सेड, तब मैं बोला, द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, क्योंकि वो जब चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकल गई और उड़ने लगी तो उसको क्या दिखाई देंगे, चारों तरफ बर्ड के चिड़ियों के वगैरह घोंसला किधर होता है, ज़्यादातर तो ट्री पे होते हैं ना, तो ट्री में से वो ट्री का वो घोंसले में से बाहर निकलेंगे तो उसको ट्री का ब्रांचेस, ट्री के पत्ते, वो सब दिखाई देगा। तो उसके लिए तो पूरा दुनिया क्या है, पूरे लीव्स, हरा हरा एकदम ग्रीन ग्रीन लीव्स दिखाई दे रहे हैं। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मैं तो बहुत ही अंधे थे बाबा, अभी तक तो हमें कुछ दुनिया देखा ही नहीं था बराबर, अभी तो दुनिया है, अभी पहले सोचा मेरा दुनिया, माई वर्ल्ड इज़ जस्ट लाइक अ शेल, ब्लू शेल, एंड राउंड स्मॉल, एंड सेकेंड टाइम आई थॉट माई हाउस इज, या दिस होल वर्ल्ड इज ओनली फिल्ड विथ अ स्ट्रॉ एंड कवर्ड बाई माई मदर। अभी देखते तो पता चलता है, अरे अभी तक तो मैं अंधी थी, दुनिया क्या है, पूरे के पूरे लीव्स से बने हुए हैं, ऐसा मैंने सोचा। और उसके बाद लास्ट स्टैंजा में वो बता रही क्या है, देखो चिड़िया क्या बोल रही है, At last I flew beyond the tree. उसके बाद मैं और उड़ गई, flew मतलब fly मतलब उड़ना, flew मतलब उड़ा, उड़ के हो गया, मैं उड़ा कहाँ पर, beyond the tree, beyond मतलब और पार, उस पार, beyond the tree, tree के भी उस पार, यानी tree को पीछे छोड़ दिया और मैं और आगे उड़ गया। And saw the sky so blue. और आगे गया तो मुझे क्या दिखाई दिया, ब्लू कलर के स्काई दिखाई दिया, आई सॉ द स्काई सो ब्लू, एकदम ब्लू वाले। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड आई कैनॉट टेल,
अभी नाव यानी अभी हाउ द वर्ल्ड इज़ रियली मेड, ये दुनिया असली में रियली यानी असली में कैसे बना हुआ है यार, ब्लू शेल से बने हुए हैं जैसा मेरे अंडे हैं, या फिर घोंसले से बने हुए जैसे वो स्ट्रॉ से बने हुए जैसे कि मेरा घोंसला, या फिर लीव से बने हुए जैसे कि वो ट्री, या किससे बने हुए हैं, अलग अलग स्टेज में अलग अलग दुनिया में देख रही हूँ, तो आई कॉन्ट टेल यू हाउ द वर्ल्ड इज मेड, मैं तो नहीं बता सकता भाई ये वर्ल्ड कैसा बना है, आप बता सकते हो, कैन यू, आपसे पूछ रहे हैं, तो आप बताओ, आप बता सकते हैं वर्ल्ड किससे बने हुए हैं, आपके लिए वर्ल्ड बचपन में किससे बने हुए थे, एकदम छोटे थे तभी आपका दुनिया किससे बने हुए थे, उसके बाद थोड़े बड़े हो गया तो हाउ द वर्ल्ड वॉज फॉर यू, एंड नाउ इन फिफ्थ स्टैंडर्ड यू आर, हाउ द वर्ल्ड इज़ फॉर यू, ठीक है, आप सोचो और मुझे भी बताना कैसा वर्ल्ड बने हुए हैं. Okay, this was our poem. Is it a beautiful poem? Surely it is a beautiful poem, isn't it? Okay.